नमस्कार। आज हम सैंडविच चटनी बनाएंगे। इसके लिए ये मैंने टमाटर लिए हैं, पुदीना, हरी धनिया, नमक, आधा चम्मच चीनी है और ये 20 दाने मूंगफली के हैं, नींबू है, काला नमक, जीरा, अदरक और 4-5 ये हरी मिर्चें। सबसे पहले हम टमाटर को काट के तैयार करेंगे। ठीक है, टमाटर काट के हमने तैयार कर लिए हैं। इसमें हम टमाटर डालेंगे पहले जार में। अदरक डालेंगे, जीरा, हरी मिर्च, मूंगफली, काला नमक, सफेद नमक और ये चीनी, नींबू का रस, धनिया और पुदीना। धनिया डालेंगे। ये देखिए हमारी सैंडविच चटनी बनकर तैयार है। हमने पीस के तैयार कर लिए। अब इसको हम बाउल में कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको सर्व कर लिया है इसमें बाउल में सैंडविच चटनी। अब हम बनाएंगे टमाटर, हरी धनिया और लहसुन की चटनी। टमाटर की, हरी धनिया और लहसुन की चटनी। सबसे पहले हम टमाटर काट के तैयार करेंगे। टमाटर काट के तैयार कर लिए और इसमें हम जीरा डालेंगे, ये लहसुन डाल लेंगे, 5-6 कलियां लहसुन की हैं, आधा इंच टुकड़ा अदरक का, 2 हरी मिर्चें, काला नमक और ये सफेद नमक, ये नींबू डालेंगे और हरी धनिया डाल लेंगे इसमें और इसको पीसेंगे। ये देखिए हरी धनिया, लहसुन, टमाटर की चटनी पीस के तैयार कर ली है और इसको हम बाउल में पलट लेंगे। बहुत टेस्टी, बहुत ही बढ़िया बनी है। आप पराठे, पूड़ी, सैंडविच किसी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। ये देखिए हमारी सैंडविच चटनी और ये हरी धनिया, टमाटर और लहसुन की चटनी बनके तैयार है। इसे हम सैंडविच में लगा करके, पूड़ी पराठे में, और इसको भी रोटी पराठे पूड़ी किसी में भी हम खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बनी है। आप भी बनाइए और कमेंट करिए कि आपको कैसी लगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।